हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अभी मैं आ चुका हूँ ऑफलाइन वाले कंपनी में, ठीक है। और कल का कॉल रिकॉर्डिंग सुना ही होगा आपने पिछली वीडियो में। तो ये सारे इस महीने का बिल है, मतलब फरवरी महीने का। इसका हिसाब किताब करना है और इसको मैं समझा दूंगा। मैं बोल दूंगा भाई ऐसे काम नहीं होगा, अगर आप मेरे को ऑर्डर देते हो, ऑर्डर कंप्लीट करके मैं वहाँ पे फ्री हो जाना चाहिए। अगर आपके वहाँ से माल रिटर्न आएगा पार्टी के वहाँ से, तो मुझे किराया चाहिए और आपका लड़का मैं साथ में लेके नहीं आऊँगा, वो जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ठीक है। तो बस अभी 9:50 हो रहे हैं और कंपनी ऑन होता ही है 10:30 बजे, तो तब तक वेट कर लेते हैं, बिल वगैरह बनाएंगे, कितना अमाउंट वगैरह होता है देखते हैं, ठीक है। तो भाई क्लियर बात कर लेना सही है, इनको मैं कहता हूँ ये समझते नहीं है बात को। उधर से कल जो पीस रिटर्न आया अभी भी वो गाड़ी में है, इसी वजह से मुझे आना पड़ा, नहीं तो मैं पोर्टर या अंकल डिलीवरी ऑन करता। अब उसका किराया मुझे कोई भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और इनका जो लेबर जाता है उसको छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी रहती है भाई। कोई दोनों साइड का किराया नहीं मिल रहा है, एक साइड का किराया मिल रहा है, पोर्टर देख के चेक करके किराया ये देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो वेटिंग टाइम होता है 2-3 घंटा लोड करने का वहाँ पे, ये कुछ ऐड नहीं होता, ठीक है। तो वही चीज़ है, क्लियर बोल दूंगा वो चीज़ सही है। तो देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों अभी बिलिंग करवा रहा था, ठीक है, तो अंदर भाई ऑफिस में बैठे बैठे ठंडे लगने लगी थी, मैंने जैकेट पहन लिया दोबारा से। और दोस्तों एक बात बताऊं, ये सर मेरे को जितना बुरा समझते हैं मैं भी उतना बुरा नहीं हूं, और मैं इनको जितना बुरा समझता हूं ये भी उतना बुरे नहीं है भाई, ठीक है। अब ये खुद कह रहे थे कि यार लाख टेंशन होती है, किसका गुस्सा किसी के ऊपर, ये वो, मतलब गलती मान रहे अपना, ठीक है। और कल का जो रिटर्न लेके आया ना एक पीस, भाई साहब 300 रुपये इन्होंने जोड़ा उस चीज़ का अपना, कह रहा मैं नाजायज नहीं करता। मैं कहा ठीक है सर, जायज करो, बोलने का मौका मत दो, ठीक है। मैंने बोला सर आप खुद ही कर दिया करो जो जायज लगे, ठीक है, मैं आपको बोलना ना पड़े, ठीक है, बिल्कुल। तो चलो बोला तो कुछ ना कुछ मिला, नहीं तो देते नहीं, ठीक है। तो वही बात है अभी भाई, पोर्टर अंकल डिलीवरी कुछ भी ऑन नहीं किया, अभी ऑफलाइन सर कह रहे कि यहीं से ऑर्डर मिल जाएगा। मगर ठीक है सर, इंतजार करता हूँ थोड़ी देर। अभी भाई साहब कितने हो गए, 12:30 बज गए, ठीक है, बिलिंग करने में टाइम लग गया थोड़ा। अब ये पेमेंट देंगे जो भी 15-17 तारीख को ही, ठीक है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं, देखते हैं कब तक ऑर्डर आता है सर के पास। तो भाई गाड़ी लोडिंग हो गया, 2 पॉइंट है, ठीक है, और आज भी हमारे साथ हरिनारायण भाई जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों माल तो ले लिया, अब ड्रॉप पॉइंट में मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों अभी मेरे जो ऑफलाइन सर थे उनके मैंने दोनों पॉइंट का जो माल था तो वो दोनों मैंने कंप्लीट कर दिया। इस टाइम फिलहाल मैं हूँ नोएडा में, इनका 2 पॉइंट का माल था, एक था मयूर विहार आचार्य निकेतन और दूसरा नोएडा सेक्टर 4, ठीक है। और टाइम हो गया भाई 3:30 बज गए और मैंने अंकल डिलीवरी और पोर्टर दोनों ऐप खोल दिया। अब देखता हूँ कब तक किस में ड्यूटी आए हमारे उस साइड का, या अगर दिल्ली का ड्यूटी आ जाते रिटर्न में तो ठीक है, लेकिन कोशिश करूंगा कि इधर से कुछ ना कुछ थोड़ी देर आधा घंटा रुक के या जैसे भी हो कोई ना कोई अपने उधर का ड्यूटी लेके जाऊँ, क्योंकि खाली जाना भाई बेकार है, ठीक है, घर जाते टाइम कुछ आ जाएगा तो सही है। चलो भाई वेट करता हूँ। और दोस्तों अभी मेरी गाड़ी का जो बैटरी बची हुई है 58% है और 50 किलोमीटर है यहाँ से मेरा घर दिल्ली, तो मतलब वेट कर रहा हूँ भाई कब तक थोड़ा टाइम लगे, मगर भगवान जी का आशीर्वाद से बस अपना दिल्ली साइड का ऑर्डर आ जाए तो बढ़िया रहेगा थोड़ा, ठीक है, इंतजार करता हूँ दोस्त। और दोस्तों ये जो हरिया है ना, हरिनारायण भाई, प्यार से हरिया बोलते हैं भाई को, ठीक है, कहीं भी ऑर्डर कंप्लीट करूँ, कहीं भी मौका मिले भाई, कुछ आसपास का दुकान हो कुछ हो, तुरंत भाग जाएगा। ये देखो क्या लेके आया, देखो बताओ दोस्तों, आप लोग जो मुझे कमेंट में सजेशन देते हो, अच्छी बातें बता रहे हो, उसके लिए आप सबको धन्यवाद, दिल से थैंक यू। एक भाई ने लिखा है कस्टमर दोगला है, जो कि अंकल डिलीवरी बुक किया था, कल वाला वीडियो आपने देखा होगा, बिल्कुल भाई। और एक भाई ने लिख रखा है कि अंकल डिलीवरी मत करना, शपथ लो, लेकिन देखो शपथ तो ले लो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अंकल डिलीवरी ऐसा होता है ना भाई साहब कि रोड पे जैसे खाली जा रहे हैं, तो देखो यही सोचता है हर कोई ड्राइवर की, चाहे कोई भी हो, अगर खाली जाएगा ना सोचेगा एक दो घंटा थोड़ा लग जाए, कोई ये तो नहीं सोचेगा कि टाइम लगे, सोचेगा जल्दी हो जाए यार, रूट का ऑर्डर मिल जाए, चल थोड़ा कुछ पैसा घर लेके जाऊँ, खाली तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो बस भाई होता रहता है कभी अप कभी डाउन, क्या करें, ऐसे ऐसे कस्टमर मिल जाते हैं, ठीक है। तो भाई ये ऐसी बस यार, नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और दोस्तों कमेंट में अच्छी अच्छी ऐसी सजेशन देते रहो भाई, दिल से भाई खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं फ्री था, कमेंट पढ़ रहा था दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। दोस्तों अभी देखो 4:30 बज गया, अभी भी कोई ड्यूटी नहीं है, देखो जहाँ का वहीं पे बैठा हूँ, ठीक है, क्या करूँ यार, इंतजार करो, आप खाली जाऊँ इससे बढ़िया कुछ लेके जाऊँ, तो बस इंतजार कर रहा हूँ यार, देखता हूँ, टाइम भी काफी लग रहा है, ऐसा नहीं कि इंतजार करते करते यहीं पे रात हो जाए, घर जल्दी जाने की बजाय और लेट पहुंचूं, ठीक है। तो बस वेट कर रहा हूँ भाई, थोड़ी देर और करता हूँ फिर, नहीं तो निकल जाऊंगा ऐसे ही, क्या करूँ। दोस्तों अभी 4:40 हो गया, मैं इंतजार करने के बाद यहाँ से खाली निकल रहा था कि रोड पे मिले ऑर्डर वगैरह जाते जाते तो उठा लूंगा दिल्ली साइड का, तो जैसे ही मैं निकला एक ऑर्डर आ गया भाई पोर्टर पे, उसको मैंने उठा लिया। चलो दोस्तों पिकअप करने चलते हैं, आपको पिकअप लोकेशन पे मिलता हूँ कस्टमर का।
तो दोस्तों पोर्टर पे जो ऑर्डर आया मेरे पास उसको मैंने उठा लिया है पिकअप लोकेशन पे अभी, और यहाँ से निकलता हूँ फिर आपको ड्रॉप लोकेशन पे चल के मिलता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी टाइम हो गया 5:20। तो दोस्तों जो पोर्टर का ड्यूटी का ड्रॉप लोकेशन था वहाँ पे मैं आ गया हूँ, और अभी टाइम हो गया 6:45। 15-20 मिनट इन्होंने अनलोडिंग करने में लगा दिया, और मेरी गाड़ी में अभी चार्ज है लगभग वही 33-34 किलोमीटर, और मेरा घर यहाँ से लगभग है 35 किलोमीटर। अब देखो कहीं चार्जिंग स्टेशन में चार्ज बिठाऊँ, क्योंकि 4-5 किलोमीटर पहले हो सकता है, या तो भगवान जी का आशीर्वाद रहे तो घर तक पहुँच जाएगा बस बढ़िया से। ठीक है, तो बस घर चल के आपसे मिलता हूँ। ठीक है, ये ऑर्डर तो कंप्लीट कर दिया मैंने, अब मैंने पोर्टर अंकल जी दोनों ऑफलाइन कर दिया, अब सीधा घर ही जाना है। ठीक है दोस्तों, आपको घर पे चल के मिलते हूँ, आज आपको और आज का अर्निंग बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों ये देखो पंजाबी बाग का जाम, जो ये फ्लाईओवर वगैरह ये जो बन रहे हैं ना चारों तरफ, मेट्रो फ्लाईओवर वगैरह चारों तरफ जाम ही जाम है भाई। ये देख लो यहाँ से एकदम पीछे तक चारों तरफ। दोस्तों 8 बज गए, अभी भी ये पंजाबी बाग का जाम ये खत्म नहीं हुआ है, चारों तरफ जाम ही जाम। और कुछ तो कार वाले ऐसे हैं भाई, ये रहा ये देखो, ये साइड से घुसाने की कोशिश करते हैं, बताओ मतलब सीधे अपने लाइन पे नहीं चलते। भाई लोग बुरा मत मानना, क्या पता आप भी उसमें से हो। ठीक है, लेकिन भाई एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपने लाइन पे चलो, तरीके से चलो। ठीक है, इसी वजह से तो जाम और लगता है। ये बात सिर्फ कार वाले के लिए नहीं है, बाइक वाले, साइकिल वाले, रिक्शा वाले, ऑटो वाले, या फिर मेरे लिए, सबके लिए ही है। अपने लाइन से चलो, तरीके से चलो, ये नहीं कि कभी इधर कभी इधर, ये तो एकदम भाई गजब वाली बात हो गया। तरीके से चलना चाहिए यार सबको, ये अनपढ़ गवार वाली काम होता है, ऐसा मत करा करो यार कोई भी। दोस्तों देखो ये कार वाला है, बताओ मतलब इस तरीके से बिल्कुल बगल में घुसाने की कोशिश करते है ना, जैसे भाई डर हमें लगता है कहीं इसको टच ना हो जाए, और इनको तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि क्या पता भाई दहेज में मिला हो कुछ भी हो सकता है ना भाई, इसीलिए भाई थोड़ा तरीके से चलाओ। दोस्तों अभी भी जाम चेक करो यार, इतना जाम है, इतना जाम है एकदम, मतलब कहने की कोई बात ही नहीं है। रात के टाइम पे ना, मतलब हमेशा रोड पे बहुत ज्यादा जाम मिल जाता है हमेशा। बाइक वाले देखो, एक को जाने दो तो पूरा लाइन लगा देते हैं, ये देख लो भाई मतलब कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, बताओ भाई ये देख लो। तो दोस्तों रोड में काफी ज्यादा जाम था, घर आते आते मुझे लगभग 9:45 हो गए, 8:45। और आज की अर्निंग बताने की बारी है दोस्तों, आज का जो इनकम हुआ वो टोटल मिला के हुआ दोस्तों वही 1400 रुपए। ठीक है, 800 रुपए ऑफलाइन कस्टमर का और 600 रुपए ऑनलाइन वाले का। ठीक है, 1400 रुपए, 100 रुपए का टोल टैक्स लग गया, बच गया 1300 रुपए। आज तो चार्जिंग कहीं नहीं किया, एक चार्जिंग के बस भगवान के आशीर्वाद से चल गया, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, तो वही आज का जो मतलब कि किराया भाड़ा जो भी ये सब निकाल के आज वही लगभग 500 रुपए बच गए। ठीक है, और दोस्तों आते आते भाई बारिश चालू, घर से जैसे 1 किलोमीटर दूर था बारिश चालू हो गया, और पंजाबी बाग इस साइड पूरा एकदम ट्रैफिक में भरा हुआ था। ठीक है, तो बैटरी जो मेरा आइडिया था, टारगेट था कि कुछ ना कुछ बच जाएगा घर आते आते, लेकिन जाम में ब्रेक ज़्यादा लगा, बैटरी ज़्यादा पी गया, पर घर आते आते मतलब कि वही 5-6% बैटरी बच गया। तो चलो ठीक है, भगवान जी का आशीर्वाद है, ऐसे चलता रहे। तो दोस्तों कल मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक में। तो दोस्तों चैनल पे नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय।